हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो हम उपयोगिता की दृष्टि से हमारा जो शरीर है वो 100% तो उस अन्न से जो आवश्यक है, जो मिनरल्स है उसको तो ले रहे हैं, बाकी जो अनावश्यक है उसको हम बाहर कर रहे हैं। वैसे जल को भी हम ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो फिर हमारे मल मूत्र के माध्यम से बाहर हो रहे हैं। शरीर के अलग अलग रोम छिद्रों से, स्टोमेटा से ये पसीना के रूप में बाहर निकल रहे हैं। वायु को भी हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो साथ में एक्सहेल भी कर रहे हैं, उसको प्रश्वास भी कर रहे हैं, बाहर भी फेंक रहे हैं, तो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो शरीर में जितने भी हमको वायु चाहिए और शरीर रखता है, बाकी को बाहर फेंक रहे हैं CO2 के रूप में। तो CO2 से वातावरण अशुद्ध होता है। तो ये सारे मनुष्य कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं इस संसार में जो इतने अंश में प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, हर कोई कर रहे हैं। और इसके लिए कोई ऐसे नेचुरल तरीके से परमानेंट साधन एक भी नहीं है। हम देख रहे हैं आज के समय में लोग अलग अलग आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से वातावरण को शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो कितने दिन तक रहता है? वो कुछ दिनों तक रहता है, सप्ताह तक रहता है, महीना तक रहता है, उसके बाद फिर, क्योंकि इतने व्हीकल से इतनी जनसंख्या है, इतने पावर प्लांट से इतनी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, और अलग अलग हमारे उत्खनन के कारण से, दोहन के कारण से जो प्राकृतिक आपदाएँ आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बनी है। तो ये सब हमारे विकास के नाम पर जो विनाश कर रहे हैं उसका परिणाम है। तो इसके लिए कोई ऐसा परमानेंट साधन अभी तक खोजा नहीं गया है, ना ऐसा कोई निकाल सकता है परमानेंट साधन कि इन पंच महाभूतों को बैलेंस बनाया जा सके, इसको सुव्यवस्थित बनाया जा सके। और जब तक ये सुव्यवस्थित नहीं रहेगा तब तक हम सुव्यवस्थित जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हम भोजन ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। जब वो अशुद्ध रहेगा तो अशुद्ध जल, अशुद्ध वायु, अशुद्ध भोजन हमारे शरीर में आएगा, शरीर में आएगा तो शरीर बीमार पड़ेगा, अस्वस्थ होगा। तो हम चाहकर भी हम स्वस्थ नहीं बन पा सकते। इसीलिए हमारे ऋषियों ने परमानेंट साधन निकाले, समाधान निकाले, वो है ये अग्निहोत्र, वो है ये यज्ञ, हवन, यह है एयर थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, इसको अलग अलग होमा थेरेपी के नाम से भी सब जानते हैं बाहर विदेशों में भी। तो भारत देश से बाहर भी लोग अब ये हवन अग्निहोत्र को अपना रहे हैं, इस भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे। क्यों? क्योंकि अब उनको ये दिख रहे हैं लाभ रिसर्च के माध्यम से कि जब ये कंबस्टन होता है, फ्यूमिगेशन होने के बाद जो इससे अलग अलग जो सुगंधित गैसें निकलती हैं, जो एडिशनल जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो एरोमेटिक इसमें ऑयल निकलते हैं, वो सारे वातावरण में, चूँकि और वातावरण में हम सभी हैं, 24 घंटे हम श्वास ले रहे हैं। आप देख लीजिए, यदि हम इन पंच महाभूतों में सबसे अधिक उपयोगिता देखें तो वो वायु की है। हम भोजन जो अन्न प्राशन ग्रहण करते हैं वो हम 24 घंटे में कितने बार लेते हैं? सामान्य यदि व्यक्ति को देखें तो 3-4 बार। और हम यदि जल को देखें, लिक्विड चीज जिसमें हम दूध, जूस, जल लेते हैं, तो हम उससे डबल कर दें, 3 बार लेते हैं, तो 6 बार हम लिक्विड चीज लेते हैं या 10 बार लेते हैं। और उससे भी हम और आगे जाएं तो जो वायु है वो हम 24 घंटे ले रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते हर कार्यों को करते हुए बिना विचार किए हम इस वायु को ग्रहण कर रहे हैं। निरंतर श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्रक्रिया चल रही है। हम भोजन के लिए तो समय निकालते हैं, हम जल के लिए भी समय निकालते हैं,
लेकिन वायु के लिए हमको समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, निरंतर चल रहे सारे कार्यों को करते हुए। तो सबसे अधिक आवश्यकता वायु की है जो हम निरंतर ले रहे हैं, लेकिन उसके शोधन के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने घर की सफाई तो करते हैं अलग अलग वस्तुओं के माध्यम से, लेकिन जो जिस घर में हम रहते हैं, जिस भवन में रहते हैं, उस वातावरण की सफाई हम करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर रेडिएशन का भी प्रभाव, आपके जो वस्त्र है, आपके जो घर है, उनसे भी निरंतर पार्टिकल्स, जो आप इलेक्ट्रिक सामान प्रयोग करते हैं उससे भी निरंतर ये रेडिएशन निकल रहे हैं, वो सारे हमको प्रभावित कर रहे हैं। उसके कारण से हमारे जो हार्मोन्स हैं उसमें विकृतियाँ आ रही है, हमारी स्किन में विकृतियाँ आ रही हैं। तो अब मनुष्य भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, जैसे हम अन्य चीज़ों में देखते हैं, पेड़ पौधों में कि जी उसके जो किस्म है उसमें बदलाव आ गया, पहले अच्छा था लेकिन अब अलग ही, तो वैसे अब मनुष्य भी बदल रहे हैं, उनके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि हम उसी वातावरण में रह रहे हैं, वो चारों ओर से हमको प्रभावित कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये दैनिक हवन करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सैनिटाइजर है, इस सैनिटाइजर से हम सैनिटाइज कर सकते हैं अपने घर के वातावरण को। हम भले ही संपूर्ण विश्व में स्वच्छता अभियान ना चला पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन अपने घर में हम छोटा सा इस प्रकार से लघु हवन कर नैनो यज्ञ करके 10 से 15 मिनट और विशेष तो आप फिर अपने समय अनुसार कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार कर आप प्रतिदिन अपने घर को आप अस्पताल बना सकते हैं, चिकित्सालय बना सकते हैं। तो ऐसे हम हवन करें, और जब ये अग्नि मंद पड़ जाए, शांत हो जाए, तो जो सुगंधित द्रव्य है, गुग्गल है, हवीर है, उसको आप ऐसे अंगारों में डालें और अपने घर के सभी जो रूम हैं, कमरे हैं, उसमें आप घुमा दें, तो निश्चित रूप से आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई भी फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो सभी मर जाएंगे, आपके घर बहुत ही फ्रेश रहेंगे। तो ऐसे मन मन धुनी निकलते रहे, और उसी में हम फिर उसके बाद प्राणायाम करें, उसी में हम फिर योगाभ्यास करें। जब इस प्रकार से एक मेडिकेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है, इसकी जो पार्टिकल्स है, इसकी जो एनर्जी है, इसके जो औषधि वायु है, उसको जब हम इनहेल करते हैं, तो किसी भी प्रकार से, चाहे मस्तिष्क संबंधी रोग हो, वर्टिगो एंजाइटी फोबिया जैसे, ऑटिज्म जैसे, अल्जाइमर की समस्या, एपिलिप्सी, पैरालिसिस, या अन्य स्ट्रेस डिप्रेशन माइग्रेन की समस्या हो, तो उन सब में विशेषकर जैसे हम योग करते हैं, तो योग से प्रथम क्या लाभ मिलता है हमको? हमारा जो मन स्थिति है, वो चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, सुव्यवस्थित हो जाती है। वैसे ही जब हम अग्निहोत्र हवन करते हैं, तो प्रथम दृष्टिया हमारा जो अशुभ विचार है, गलत विचार है, वो रुक जाता है, और फिर उस कारण से उसका जो साइड इफेक्ट हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हार्मोन्स पर पड़ रहे थे, जो गाबा केमिकल्स हैं, जो डोपामिन केमिकल्स हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, जिसके सप्लाई ना होने से हमारा शरीर रुक ना हो जाता है, हम चाहते हुए भी अपने हाथों को उठा नहीं पाते, पैरों को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इस अग्निहोत्र को कर जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे विशेष हमको ये लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पर तो जो पतंजलि योगपीठ है, पतंजलि योगपीठ के जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो केंद्र है, वो योगा ग्राम, वहाँ पर भी अब नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, योग, आयुर्वेद, अलग अलग और थेरेपी के साथ अब यज्ञ थेरेपी भी प्रारंभ हो चुकी है, और उसका परिणाम भी हमको अद्भुत मिल रहे हैं। एक माता बेंगलोर से, जिनको 15 साल से अस्थमा की समस्या थी, और वो योगा ग्राम आई थी, उनको हमने इस प्रकार से जो कफेष्टी हवन सामग्री होती है,
जो कप संबंधी और उसमें गूगल भी मिला हुआ होता है, तो उस सामग्री से उनको हम प्रतिदिन 11 आहुति से हवन कराते थे। और हवन के पश्चात जो धूपदानी मिट्टी पात्र होता है उसमें अंगारे उनको देकर, ये जो गूगल है कफेष्टी की हमने टिकिया बना रखी उसकी सामग्री भी उसी को हम डालकर थोड़ी उसमें घी मिलाकर, और उसमें फिर हम उनको धीरे धीरे प्राणायाम कराते थे, डीप ब्रीदिंग कराते थे। कई की ऐसी मानसिकता बनी रहती है समस्या कि जी अस्थमा है तो उसमें कैसे हवन कर सकते हैं, और हवन करने से तो इस प्रकार की समस्या होती है, इसके धुएं से और अस्थमा हो जाएगी। नहीं, वहाँ का जो धुआं है, जो अलग अलग व्हीकल्स चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, पावर प्लांट्स चल रहे हैं, उससे निकलने वाले जो SO2 है, NO2, CFC जैसे जो घातक जानलेवा विषाक्त जो गैसें हैं, पैथोजेंस है, उस कारण से जो बीमारियां हैं उसके जो धुएं हैं, उस धुएं में इस प्रकार की ये गैसें हैं, CFC जैसे गैसें हैं जो हमारे सुरक्षा कवच जो ओजोन है, ओजोन का परत है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रे है, पैरा बैगनी जो किरणें हैं, उसको फिल्टर कर हमको देने का काम ये जो ओजोन परत है ये करता है। तो उसको ये जो CFC गैस है ये उसको न्यूट्रलाइज तोड़ने का काम करता है, उसको छेद करने का काम करता है, और इस कारण से धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है जो परत है। तो जब हम हवन करते हैं तो इसे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड तैयार होती है, और ये जो गैसें हैं, ये जो उठ रही जो गैस आप देख रहे हैं, ये गैस उस वातावरण में फैली हुई जो सुरक्षा कवच उसको बैलेंस बनाने का काम करती हैं। इसीलिए ये मदर नेचर को भी व्यवस्थित बनाती है ये वायु, और हमको भी बनाती है सुरक्षित। इसीलिए हम प्रतिदिन हवन करें। जब हवन करते हैं तो इससे एक तो मैंने बताया कि गैस के रूप में एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड तैयार होती है, और बहुत सारे ऐसे एडिशनल पार्टिकल्स हैं, एरोमेटिक ऑयल्स हैं जब हम इसमें डालते हैं, तो ये कमल गट्टा है जो, और वैसे ही ये इलायची है, लौंग है, तो ये सारे ऑयल वाले ये बीज हैं, फल हैं, बादाम हैं, तो बादाम से भी तेल निकलता है। तो जब इसको हम अग्नि में डालते हैं तो इसके जो एरोमेटिक जो ऑयल है वो कम्बस्टन के बाद ये उड़ कर वातावरण में, तो उसका भी अद्भुत असर पड़ता है। फिर ये जल रहे तो इससे छोटी छोटी पार्टिकल्स भी तैयार होते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। बाहर आप देखते हैं जो डस्ट उड़ते हैं, धुआं जब गाड़ियां चलती हैं, या अलग अलग जब कोई ऐसे केमिकल्स वाले जो पदार्थ है उसको जलाया जाता है, अन्य और बहुत सारे कार्बन वाले वस्तुओं को जलाते हैं, तो आप देखते हैं कितने मात्रा में कार्बन तैयार होते हैं, अलग अलग गैसें तैयार होती हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं खूब मात्रा में, तो वो काफ़ी नुकसानदायक है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत न्यून के बराबर है, बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे शरीर में भी कार्बन पाया जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना कार्बन के अग्नि जल पाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिना कार्बन के हम जीवित रह पाए, तो हमारे शरीर में भी है। आप देखते हैं श्वास लेते हैं तो हम प्रश्वास के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सहेल के माध्यम से हम CO2 बाहर करते हैं ना, तो हमारे शरीर में कार्बन है, हम जो श्वास ले रहे हैं उससे कार्बन तैयार होता है, तो शरीर को जितना कार्बन चाहिए वो रखता है, बाकी को CO2 के रूप में बाहर फेंकता है। तो बिना कार्बन के हम जीवित नहीं रह सकते, और बिना कार्बन की अग्नि जलती भी नहीं है। तो यहाँ जो हम अग्नि जलाते हैं, प्रदीप्त करते हैं, हवन करते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें हम ये औषधि वायुओं को डालते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग कमल गट्टा है, फिर ये मखाना है, इलायची है, फिर ये जावित्री है, फिर ये जायफल है, मीठा पदार्थ में ये मिश्री है, सुगंधित में लौंग है, और इसमें गुलाब पुष्प है, फिर पुष्टिवर्धक में इसमें बादाम है, अक्षत है, कमलगट्टा है, तो ये सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, तो ये डालते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें हम घी डालते हैं, तो जब ये घी डालते हैं
तो और समिधा भी साथ में, जो हम समिधा लेते हैं गोमय समिधा, इधर भी आप देख रहे हैं पैकेजिंग के रूप में इस प्रकार से ये, तो ये गोमय समिधा, तो इसमें सामग्री डालने के साथ साथ घी डालते हैं, तो इस कारण से कार्बन की मात्रा बहुत कम बनती है। और जब बहुत कम बनती है, आप देख रहे हैं इसमें कार्बन की मात्रा नहीं के बराबर, इसमें है ही नहीं, तो इस कारण से हम जब इसमें प्राणायाम करते हैं, तो जिनको भयंकर अस्थमा, जो मैंने बात रखी थी कि बेंगलोर से एक माता आई थी यहाँ पर, तो जिनको 15 साल से अस्थमा की समस्या थी, उनको हमने 15 से 20 दिन में इसी प्रकार से फेष्टी हवन सामग्री डालकर हवन कराएं गायत्री मंत्र से, और उसी में उनको इनहेल एक्सहेल कराएं, तो उसका जो परिणाम है वो अद्भुत आया कि वो 15 दिन में ही उनका जो इनहेलर वो ले रही थी, उनको जो अस्थमा की समस्या थी वो धीरे धीरे उनके जो जो लंग्स हैं उसमें जो कोपिकाएँ लगे, जो गुब्बारे जो जाम हो रखे थे वो सारे खुल गए, और आज वो माता पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो एक बहुत बड़ी ये विधा है। और इसी प्रकार से एक स्किन की समस्या, सोराइसिस, एक भाई राजू नाम का बिहार से है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के पास वो सर्विस करता है, सेवा देता है, उनको भयंकर उनके जो पेट की जो स्किन है उसमें सोराइसिस की समस्या थी, उसके कारण से उनको इचिंग की समस्या, और उस कारण से उनको ना ठीक से निद्रा आती थी, ना ठीक प्रकार से अपने कार्यों को कर पाते थे। तो हम यज्ञ के जो धुआं हैं, इस धुआं के माध्यम से उस भाई को हमने प्रतिदिन, जैसे आप देखे होंगे स्टीम बाथ देते हैं, वैसे हम इस धूम का स्नान कराते थे, उनको आधा घंटा बिठाते थे, और उसके शरीर में जो इसके जो एश है, राख है, जो शेष बच जाता है, तो इसके माध्यम से हमने उनको लगातार करीब हमने 20 दिन धूम स्नान कराया, और उसका परिणाम ऐसा आया कि वो भाई विगत कई वर्षों से वो इस समस्या से जूझ रहे थे, उनको हमने करीब 15 से 20 दिन इनको भी हमने ऐसे इसके जो धुआं है उसके शरीर में लगने दिए, और उस पसीना के माध्यम से जितने भी उसके शरीर में टॉक्सिक थे, जितने भी विकार थे, वो सारे बाहर निकले, और वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एक चिकित्सा पद्धति है, ऐसे कितने न जाने उदाहरण हमको प्रतिदिन मिल रहे हैं, योगाग्राम में जो लोग आ रहे हैं उनके अनुभव आपको हम बीच बीच में उनको जोड़ेंगे भी, उन लोगों को, जिससे कि आपको पता चले कि उन्होंने यज्ञ चिकित्सा ली, यज्ञ थेरेपी लिए, और वो कैसे अपने आप को इन गंभीर बीमारियों से निकाल पाए, जिसको इनकरेबल डिजीज़ बोलते हैं, क्रोनिकल डिजीज़ या जेनेटिक या लाइफ स्टाइल, जितने भी डिजीज़ हैं सभी प्रकार से हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य इस अग्निहोत्र यज्ञ में है। तो हम अपने घर में यज्ञ करें तो निश्चित रूप से हम कभी भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन हो, या गैस के माध्यम से हो, या अलग पार्टिकल्स के माध्यम हो, या खान पान के माध्यम से जो रोग आ जाते हैं, सभी प्रकार के रोगों से हम अपने आप को निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये हवन करें। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, हे वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। मैं रचना सिंगल जसपुर उत्तराखंड से रहने वाली हूँ।
मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए फरवरी में आई थी और मैं बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थी। डॉक्टर ने मुझे 3 साल से स्टेरॉइड पे रखा हुआ था और मैं 2010 से बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा रही थी और मेरे को 2011 में एंकलोइंग स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक पड़ा था। उसमें मेरे सारे जॉइंट डेड हो गए थे और मैं अपोलो में 2 महीने एडमिट रही। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, उन्होंने मुझे गलत मेडिसिन देके बिल्कुल मरने वाली स्थिति में पहुंचा दिया था। फिर उसके बाद मैं घर पे आई, डॉक्टरों की टीम बैठी, उन्होंने मेरे का डिजीज़ का फाइंड आउट किया कि मेरे को HLA-27 है। फिर मेरा एक जॉइंट स्पेशलिस्ट से, आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट से इलाज चला और मेरे को बायोलॉजिकल इंजेक्शन लगे। 3 साल मेरे को इंजेक्शन लगे, 50,000 का एक इंजेक्शन, और उस तरीके से मैं फिर किसी तरह से मैं रिकवर हुई। और उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को 7 DS सुबह शाम दे दी थी खाने को कि आपको इसको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा और आप इसको एक दिन भी अवॉइड नहीं कर सकती हैं। और जब कभी मेडिसिन मेरी रात में ख़त्म हो जाती थी तो मेरे को बहुत हालत ख़राब हो जाती थी, तो मैं कभी ये सोच नहीं सकती थी कि ये मेडिसिन मैं छोड़ पाऊँगी। एक दिन मैंने आस्था में स्वामी जी को सुना, उन्होंने एंकलोइंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर रिसर्च करी है। मैं उसी समय यहाँ पे ये निरामयम में आ गई और यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब मैं आई थी तो मैं स्टेरॉइड पे थी 3 साल से, मतलब मेरे सारे ऑर्गन फेल्योर होने लग गए थे, बॉडी बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी और मेरे को चला नहीं जाता था। हर जगह सूजन थी, हर जगह वाटर रिटेंशन था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि बस मैं 7 दिन किसी तरीके से रही। स्वामी जी ने बहुत, हमारा यहाँ की टीम ने, स्वामी जी ने विशेष हमारा ध्यान रखा। जब स्वामी जी का ट्रीटमेंट लेके मैं वापस गई घर में तो मेरे को, मैंने स्टेरॉइड एकदम से छोड़े थे और भी जो बहुत ज़्यादा वैसी मेडिसिन थी एलोपैथिक की, जो डॉक्टर कह रहे हैं आप कभी नहीं छोड़ सकते थे, मैं 10 साल से खा रही थी, वो भी मैंने छोड़ी। तो मेरे को मॉर्निंग में एकदम चक्कर से आते थे, उल्टी सी होती थी और पेट में दर्द होता था। तो उसके बाद मैं उस सीधे हवन में बैठ जाती थी, हवन में मैं आधा घंटा हवन करती थी तो मेरे को अंदर से ऐसी शक्ति प्रतीत होती थी कि सारी मेरे को, जैसे सारा मेरा अंधकार मिट गया हो और नया प्रकाश मेरे अंदर प्रकाशित हो गया। और इस तरीके से मैं उस बीमारी से मेडिसिन छोड़ के सर्वाइव कर पाई। जब मैं घर पे गई और मैंने मेडिसिन सारी छोड़ी, उस समय मुझे मॉर्निंग सिकनेस और पेट में दर्द, उल्टी और बहुत अजीब तरह के चक्कर महसूस होते थे। तो मैं समझ गई थी कि स्टेरॉइड को तुरंत बंद किया है, मेडिसिन भी तुरंत बंद की है, ये इसलिए हो रहा है। उसके लिए मुझे स्वामी जी का यज्ञ याद आया, मैंने तुरंत यज्ञ चिकित्सा शुरू करी और यज्ञ में जैसी मैं बैठी 5 मिनट में मुझे ऐसा प्रकाश अंदर महसूस हुआ जैसे सारा अंधकार अंदर का मिट गया हो और नया प्रकाश मेरे अंदर समाविष्ट हो गया हो। तो उसके बाद मैंने इसको अपने एक जीवन का अंग बना लिया और इसको मैं एक दिन के लिए भी, यहाँ से जब से मैं जुड़ी हुई हूँ स्वामी जी से, मैंने एक दिन भी ये यज्ञ चिकित्सा को बंद नहीं किया। क्योंकि ये जो है, शुरू में तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे बैठना था क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसके बाद मुझे इतना अच्छा प्रकाश इसमें महसूस हुआ कि बिना यज्ञ करे मैं दैनिक क्रिया की शुरुआत करती नहीं हूँ, पहले यज्ञ चिकित्सा से ही शुरुआत करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने कुछ कार्य करती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।